हेलो दोस्तों, मैं सौरव मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज रीजनिंग की वीडियो में हम देखने वाले हैं रीजनिंग के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन इसमें प्रीवियस ईयर के भी हैं, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। जो दोस्त अब तक चैनल साथ में नहीं जुड़े हैं तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन पहुँचते रहे। और देखिए दोस्तों, इन सभी एग्जाम के लिए यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट अवेलेबल है, लिंक सभी के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। यहाँ पे आरपीएफ एसआई के लिए 120 नहीं है, 199 है भाई। देखिए बहुत ही अच्छा टेस्ट है, उसमें बहुत मेहनत लगी है बनाने में, तो आप इस टेस्ट को खरीद सकते हैं। 199 का है, इतना भी महंगा नहीं है, बट इन सभी से महंगा है क्योंकि ये 120-120 रुपये में है। देखिए टेस्ट के बहुत सारे फायदे हैं। अगर आप टेस्ट को पहले से लगा के जाते हो तो मान के चलिए कि आप 20 एग्जाम ऑलरेडी दे के एग्जाम में जा रहे हैं, ठीक है, तो कुछ ना कुछ बेनिफिट तो जरूर मिलेगा, आपको भी पता है इस चीज़ का। तो जितने बच्चे भी सीरियस हैं, चाहते हैं कि सिलेक्शन लेना ही लेना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक दिए गए हैं सारे, वहाँ से आप इनको खरीद करके इनको लगा सकते हैं। कोड डिस्काउंट कोड जो है वो सौरभ SPL है, डिस्काउंट ले सकते हैं आप 30 रुपये का यहाँ पर कोड भर करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, और मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी और सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे, और आप वीडियो को लाइक शेयर तो जरूर करेंगे। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, किसी निश्चित संकेतिक भाषा में विक्टरी को YLFWRUB लिखा जाता है, उसी संकेतिक भाषा में फेलियर को कैसे लिखा जाएगा। ये एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करके देखिए, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। सबसे पहले आपको इन सभी अल्फ़ाबेट्स के नंबर पता होना चाहिए कि ये किस नंबर पर आते हैं। अगर ये पता है तो आप इजिली कर लेंगे। देखिए इन सभी में क्या चल रहा है, +3 चल रहा है। अगर मैं V में +3 कर देता हूँ तो Y आ जाता है, ठीक है। I में +3 कर देता हूँ तो L बन जाता है, ठीक है। और C में +3 करूँगा तो आपका F बन जाएगा, हाँ ठीक है, ये L हो जाएगा F। T में +3 करूँगा तो W, O में +3 करूँगा तो R, और R में +3 करूँगा U, और Y में +3 करूँगा तो B। समझ गए आप इस चीज़ को। तो उसी तरीके से आप फेलियर में भी +3 करेंगे सभी में, तो यहाँ पे आपका एक कोड बन जाएगा। कोड क्या बनेगा देखिए, अगर मैं F में +3 करता हूँ तो क्या बन जाएगा, I। तो यहाँ पे आप सीधा सीधा एक चीज़ लगा सकते हैं कि सबसे पहले ये देख लीजिए किस में आई है, तो आई तो भाई सभी में है, तो अभी तो हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कौन सा ऑप्शन राइट होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ए में +3 करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका डी, ठीक है। ए में डी देख लीजिए, डी भी सभी में है, तो अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। फिर यहाँ पे आई में +3 करेंगे तो एल बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एल किस किस में, एल भी सभी में है। फिर यहाँ पे L में +3 करेंगे तो आपका O बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे O देख लीजिए, O भी आपका इसमें नहीं है तो इसको तो हटा देते हैं, तीन ऑप्शन हमारे पास बच गए। फिर यहाँ पे U में +3 करेंगे तो X बन जाएगा, अब यहाँ पे X भी सभी में है आपका। फिर यहाँ पे R में +3 करेंगे तो U बन जाएगा, तो U भी आपका इन दोनों में है, इसको भी हटा देते हैं, ठीक है, इन दोनों में। अब इन दोनों में से कौन सा राइट रहेगा। फिर ई में भी +3 करेंगे तो आपका एच बन जाएगा, तो एच किस में है आपका, डी में, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर रहेगा। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे ना, कभी कभी तो आपका 2-3 स्टेप में ही आपका राइट आंसर आ जाएगा। कभी कभी आपको जैसे इस क्वेश्चन में पूरा एंड तक आना पड़ा, तो कभी कभी ऐसे भी आना पड़ सकता है, ठीक है। चलिए आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है तो आप उसको इजीली कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डायरेक्शन से, तो एक बार ट्राई करिए। देखिए मैं यही बोलूँगा कि आपको हर एक क्वेश्चन को ट्राई करना चाहिए, जो भी आपका आंसर आता है उसको कमेंट बॉक्स में बताना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करिए, और इसका राइट आंसर जो भी आता है उसे कमेंट बॉक्स में करिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। तो आशा करता हूँ कि आपने ट्राई कर लिया होगा। इसमें क्या बोला जा रहा है, पूर्व की ओर मुख करके आप बाएँ ओर मुड़े तथा 20 मीटर चले। देखिए आपको डायरेक्शन सारी पता है, ठीक है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। पूर्व की ओर मुंह करके खड़े थे मतलब आप, और बाएं मुड़े, बाएं मुड़ने के बाद में आपका डायरेक्शन जो फेस हो गया वो उत्तर की डायरेक्शन में हो गया, और पूर्व की ओर से बाएं ओर मुड़े और फिर आप 20 मीटर चले, तो 20 मीटर इस डायरेक्शन में चलेंगे, समझ गए आप, ठीक है। नेक्स्ट बोला जा रहा है, फिर बाएं मुड़कर 20 मीटर चले, उसके बाद फिर बाएं मुड़े, यानी कि यहाँ से आप आ चुके थे, फिर उसके बाद फिर बाएं मुड़े, और बाएं मुड़ने के बाद में 20 मीटर चले, ठीक है, बाएं मीन्स लेफ्ट मुड़े, ठीक है। अब अपनी बाईं तरफ 50 मीटर तय करें तो आप प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में हैं, दिशा आपसे पूछी है। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दिशा का शायद आपको एक आधा क्वेश्चन मैंने कराया, कम ही कराया ना। तो यहाँ पे 20 मीटर चलने के बाद में बाएं मुड़े यानी कि लेफ्ट मुड़ने के बाद में आप 50 मीटर चलते हैं। अब पूछा है कि आप यहाँ पे पहुँच गए, यहाँ से आपने चलना स्टार्ट किया, यहाँ पे आप पहुँच गए, आप किस डायरेक्शन में।
जब भी चलना प्रारंभ किया था तो आपको एक चीज का ध्यान रखना कि मैंने कहाँ से चलना प्रारंभ किया था, यहाँ से, इस पॉइंट से, ठीक है। तो इस पॉइंट से चलने के बाद तो ये डायरेक्शन कौन सी बैटरी है भाई, ये वाली डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन आपकी दक्षिण पश्चिम है, ठीक है। देखिए ये दक्षिण और पश्चिम, इन दोनों के बीच की दक्षिण पश्चिम हो जाएगी आपकी डायरेक्शन, तो यहाँ वाली डायरेक्शन बैटरी है। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे ही क्यों ये किया। जिसने जहाँ से भी चलना स्टार्ट किया था, जिसने मतलब जो भी यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है आदमी जो भी, ठीक है, जिसने चलना स्टार्ट किया था उसको हम हमेशा मानते हैं कि उसने चलना यहाँ से स्टार्ट किया था, हमेशा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि चलना स्टार्ट कर देते हैं वो फिर उत्तर से मान लेते हैं, उत्तर से चलेगा तो फिर उत्तर से तो आप यहाँ पे भी मान सकते हैं कि पश्चिम तक आया होगा वो, ऐसे नहीं होता है। आपको चलना यहाँ से है, ये 20 मीटर बोले, 1000 किलोमीटर बोले, आपको उस डायरेक्शन में जाने के बाद में अगर इस डायरेक्शन में फिर बोलता है, मान लीजिए आप 100 मीटर गए और वो 100 मीटर से ज़्यादा बोल देता कि 200 मीटर फिर इस डायरेक्शन में, तो 200 मीटर का मतलब है आप यहीं आएंगे। अगर वो बोलता कि उत्तर की डायरेक्शन में 100 मीटर चले और फिर लेफ्ट मुड़ के, फिर लेफ्ट मुड़ के 50 मीटर चले, तो फिर आप यहाँ पे थे, फिर ये वाली डायरेक्शन हो जाती, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो यहाँ पर दक्षिण पश्चिम आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट आपका आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3 है, ये निम्नलिखित क्रम में कौन सी संख्या गलत है, ये आपको बताना है कि इसमें से कौन सी संख्या गलत है। तो देखिए दोस्तों बहुत ही सिंपल है, ये भी कोई हार्ड नहीं है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये दो दो के पेयर बना के चलिए, देखिए इसमें अगर मैं प्लस करता हूँ 11 तो 23 बन जाएगा, फिर 23 में प्लस 11 करूँगा तो आपका 34 बन जाएगा, 34 में दो दो पेयर ये तोड़ लिए मैंने, 34 में 11 तो आपका 35 हो, सॉरी 45 हो जाएगा, 45 में प्लस 11 करेंगे तो 56 हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट पेयर में आपका 10 10 का चल रहा है, 36 में आपने प्लस किया 10 तो 40, 40 में प्लस किया तो 56, 56 में प्लस किया तो 66, ठीक है, और 66 में प्लस करेंगे तो 76 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप समझे इसमें गलत आपको बताना था, तो गलत ये है, 66 में 10 प्लस करने के बाद में आपका ये 76 आना था, यहाँ पे 86 लिखा, तो यही गलत है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, तो आपका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ट्राई करिए जल्दी से और राइट आंसर जो भी रहेगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है और यहाँ पे सिंपली डिफरेंस आपको निकालना आना चाहिए, मतलब कि वही नंबर पता होना चाहिए अल्फाबेट के। श्रृंखला को पूरा करने के लिए सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ +2 +3 +4 +5 +6 इस तरीके से चल रहा है, ठीक है, +7 करेंगे तो फिर बी आ जाएगा, +8 करेंगे तो आपका यहाँ पे जे आ जाएगा, 8 में मतलब जे में +8 करेंगे तो आपका क्या आएगा, सॉरी 9 प्लस करेंगे तो एस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 8 तो प्लस हो चुका है, 9 होगा, फिर नेक्स्ट 10 प्लस होगा तो एस में 10 प्लस करेंगे तो फिर सी आ जाएगा, तो एस और सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए। समझ गए, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। बस आपको देखिए रीजनिंग जब तक कोई दूसरा पढ़ा रहा है तब तक बहुत आसान लगती है, जब खुद करने बैठते हैं तब थोड़ा हार्ड लगता है। तो जब भी मैं क्वेश्चन को कराता हूँ तो आपको बहुत ईजी लगते होंगे कि यार ये कितने ईजी ईजी क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, ईजी क्वेश्चन नहीं होते हैं ये। अगर मैं इनकी ट्रिक आपको बता रहा हूँ, इनका जो मेथड है वो बता रहा हूँ, तो आपको बहुत आसान लगेंगे। अगर यही मेथड आपको नहीं पता तो यही आपको हार्ड लगने लगेंगे, क्योंकि ऐसा कोई यहाँ पे वो नहीं है कि ये वाला चैप्टर हार्ड होता है ये वाला इजी होता है, सब इजी हैं अगर आपने पढ़ रखे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 5, और उसको जरूर ट्राई करिएगा, देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर कर पाते हैं। 5 का राइट आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दिए गए विकल्पों की सहायता से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली उपयुक्त संख्या का चयन कीजिए। तो यहाँ पे FED मल्टीप्लाई 3 लिखा क्या है, 1629, ठीक है, BCD मल्टीप्लाई 4 लिखा है 492, BEF मल्टीप्लाई 1 क्या आएगा, ये आपसे पूछ लिया गया भाई। कुछ ना कुछ तो मल्टीप्लाई होके आया होगा ना ये, ठीक है, FED का तो मल्टीप्लाई करके नहीं आया होगा ना, तो FED में क्या प्लस मतलब क्या नंबर है, सबसे पहले ये देखेंगे ना, सबसे सिंपल तरीका यही है कि F कौन से नंबर पे आता है आपका, F आता है आपका 6 नंबर पे, E आता है आपका 5वें नंबर पे और D आता है आपका 4थे नंबर पे। अब 6 5 4 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो ये तो नहीं आ रहा है 543, तो हमने क्या किया 6 5 4 में से -11 कर दिया, तो इन सभी में से -11 करेंगे तो कितना हो जाएगा 543। 543 की मल्टीप्लाई आप अब 3 में करेंगे तो ये आपका 1629 आ जाएगा, करके देख लीजिएगा, ठीक है।
तो ये इस तरीके से आपका पैटर्न चल रहा है, यानी कि जो भी ये अल्फाबेट्स लिखे हैं उनके नंबर जो भी आएंगे उसमें से माइनस वन करना है, ठीक है। माइनस वन करने के बाद में जो भी नंबर आपको मिलेगा उसमें मल्टीप्लाई थ्री की करनी है, ठीक है भाई, समझ में आ गया। इसी तरीके से आप नेक्स्ट करके देखेंगे तो बी सी डी जो लिखा है, बी आपका दूसरे नंबर पे आता है, ठीक है, सी आपका तीसरे पे आता है, डी चौथे नंबर पे आता है, इन सभी में से माइनस वन करिए तो वन टू और थ्री, वन टू थ्री की मल्टीप्लाई थ्री में करेंगे तो 492 सिंपल आ जाएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। सॉरी, फोर की मल्टीप्लाई होगी ना बेटा, ठीक है, तो वन टू थ्री में मल्टीप्लाई फोर की करें तो ये आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आपको यही करना है, बी आपका दूसरे पे आता है, ई आपका पांचवे पे आता है, एफ आपका छठे पे आता है, मल्टीप्लाई वन की करेंगे तो आपका सिंपल वही ये रहेगा, ठीक है। नहीं, इनमें से माइनस वन होगा ना, तो वन आएगा, ठीक है, फोर आएगा और ये आपका फाइव आ जाएगा, तो 145 आपका राइट आंसर बन जाएगा, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, क्योंकि इसमें वन की मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा ना, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रहेगा। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी ट्राई करिए और इसका राइट आंसर क्या रहेगा। ये इसलिए मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, सारे के सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं, देखिए सारे के सारे रेलवे में तो नहीं पूछे गए, अलग अलग एग्जाम में, बट क्वेश्चन का जो लेवल रहता है वो एक ही रहता है, ठीक है। तो आपको जो प्रीवियस ईयर के ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्वेश्चन करा दूँ तो आपको एक पैटर्न पता चल जाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे कैसे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हजारों करोड़ों क्वेश्चन है। अब मैं कुछ भी उठा के लेके आता रहूँ तो आपको मज़ा नहीं आएगा ना, उस चीज़ में पता ही नहीं चलेगा कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आते भी हैं या नहीं आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे 3 डिवाइड बाई 4 लिखा है तो 11 लिखा है यहाँ पे, ये आया कैसे है भाई, 3 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 11 तो नहीं आएगा ना। यहाँ पे क्या किया गया है, 3 का क्यूब किया गया है और 4 का स्क्वायर किया गया है, और जो भी इनका डिफरेंस आएगा देख लीजिए आपको दी, 3 का क्यूब करेंगे 27 और माइनस कर दीजिए 4 के स्क्वायर से तो 16, जब 27 में 16 जाएगा तो 11 बचेगा, आ गया ना सिंपल। अब फिर वैसे ही आपको करना है, 4 का क्यूब करेंगे तो 4 का क्यूब आपका 64 हो जाएगा, माइनस करेंगे 5 का स्क्वायर तो 25, माइनस करेंगे तो 39 आ जाएगा, ठीक है। फिर 5 का स्क्वायर करेंगे आप, सॉरी क्यूब करेंगे तो 5 का क्यूब आपका 125 होता है, 125 में से माइनस करेंगे 6 का स्क्वायर 36 यानी कि, तो 189 आएगा। फिर उसी तरीके से आप 6 का स्क्वायर करेंगे, सॉरी 6 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पे आपका 6 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 36, ठीक है, और सॉरी 6 का स्क्वायर होता है, 6 का क्यूब आपका कितना हो जाएगा 216, ठीक है। तो 216 में से आप 7 का स्क्वायर करेंगे 49, तो कितना आएगा आप डिफरेंस 167, तो 167 यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी से ट्राई करिए और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन ये भी कोई हार्ड नहीं है, लुप्त पद ज्ञात करना है ये वाला। अब ये वाला संख्या आपको निकालनी है तो कुछ ना कुछ इन तीनों का कॉम्बिनेशन बन के निकल रही होगी, ठीक है। तो इन तीनों का क्या कॉम्बिनेशन बनाया जाए कि ये निकल जाए। अब ये सबसे पहले जानने के लिए इनका कॉम्बिनेशन जानना होगा, इनका जान गए तो ये आपका ऑटोमेटिक राइट आंसर आ जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है 21 प्लस, अब इसमें क्या प्लस करेंगे 24 बन जाए भाई, 3 प्लस होगा। अब यहाँ पे 12 और 9 के बीच में डिफरेंस कितना है 3 का, तो 21 प्लस 3 कितना हो जाएगा 24। मतलब पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, पेन लगाने की भी जरूरत नहीं है आपको, ये चीज़ें माइंड में ही हो जाएगी, देख देख के हो जाएगी कि 21 में प्लस कितना किया जाए, 3 किया जाए, ये आपका 24 बन जाएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस भी तो 3 आता है ना। फिर नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ 19 और 14 का डिफरेंस की तो कितना होता है 5, तो 17 में 5 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 22। यहाँ 13 में कितना प्लस, मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 2, तो 13 में 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, तो यहाँ पे 15 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको मतलब मेंटली करनी होगी, ज़्यादा पेन पेपर का यूज नहीं करना है, इस चीज़ को आप जान गए ना तो इसमें आप लिखोगे थोड़ी, जैसे मैं आपको करके बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये साइन लगा के 3 का डिफरेंस, ये आप मेंटली कर सकते हैं कि 21 में 3 प्लस किया 24, 17 में प्लस हमने 5 किया तो 22, 13 में प्लस 2 करेंगे तो 15 आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस भी 2 आता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका कोडिंग डिकोडिंग से एक क्वेश्चन हो रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है किसी संकेतिक भाषा में एल आई आर जी को जी आई आर एल लिखा जाता है तो उसी भाषा में बी ए एम एल को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आई एल आई आर जी को जी आई आर एल लिखा जाए, तो आप सीधा सीधा देख सकते हैं कि इसको अपोजिट कर दिया गया, यानी कि जी पहले पे था, सॉरी लास्ट में था, तो जी पहले पे आ गया है, आर सेकंड लास्ट था, तो ये आपका यहाँ पे, सॉरी ये वैसे नहीं चल रहा है, इसको और तरीके से करना पड़ेगा। देखिए जैसे एल आपका पहले पे था, ठीक है, आई आपका दूसरे पे हो जाएगा, ठीक है, आर आपका तीसरे पे हो जाएगा,
ठीक है, और जी आपका चौथे पे हो जाएगा। ये लिखा है आपका, यहाँ पे ये देख लीजिए कि पैटर्न अब क्या फॉलो हो रहा है। मतलब अब पहले पे फोर लिखा है, फिर दूसरे पे आपका आई टू लिखा है, यानी कि फोर टू हो जाएगा। भाई कोड आप खुद बना रहे हैं ना। आर आपका कौन से पे लिखा है, यहाँ पे आर तीसरे पे लिखा है, और यहाँ पे आर तीसरे पे लिखा था तो यहाँ पे भी तीसरे पे लिख दीजिए। ठीक है, एल आपका यहाँ पे लास्ट में लिखा है और यहाँ पे पहले पे लिखा था तो पहला लिख दीजिए। यानी कि 4 2 3 1 इसका कोड बन गया। यानी कि यहाँ पे तो लिखा था 1 2 3 4 के तरीके से मैंने एल आई आर जी को, और यहाँ पे लिख दिया 4 2 3 1 के उससे। तो 4 2 3 1 से लिखूँगा मैं इसको भी दोबारा से, जो मेरा यह आएगा बी ए एम एल, तो 1 2 3 4 ये लिख दिया। अब इसको मुझे क्या लिखना है, 4 2 3 1 के हिसाब से लिखना है। तो 4 लिखूंगा सबसे पहले एल आ जाएगा, फिर मैं 2 लिखूंगा यानी कि फिर ए आ जाएगा, फिर 3 मैं लिखूंगा, 3 में आपका एम आ जाएगा, फिर मैं बी लिखूंगा लास्ट में। तो आपका राइट आंसर क्या बन गया, एल ए एम बी, एल ए एम बी इज़ द राइट आंसर। भाई समझ गए ना, अगर समझ में नहीं आया है कोई भी क्वेश्चन तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई करिए और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ड्रिंक को जे एम एल क्यू क्यू सी लिखा जा रहा है, बोल्ट्स को यहाँ पे आर एस एन के एस लिखा जा रहा है, हनी को कैसे लिखा जाएगा ये आपको बताना है। तो एक खास कोड में किसी भाषा में ड्रिंक को लिखा जा रहा है, तो इसका मतलब एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान लगाएंगे तो। यहाँ पे आपका क्या चल रहा है, देखिए ये लास्ट वाला जो है ये फर्स्ट वाले से मतलब 1 माइनस चल रहा है। के में से हमने 1 माइनस किया तो जे बन गया, एन में से -1 किया तो एम बन गया, आर में से -1 किया तो एच बन गया, और डी में से -1 करेंगे तो सी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पूरा बन रहा है। ठीक है भाई, तो उसी तरीके से आपको बोल्ट को भी बना लेना है। यहाँ पे एस में से -1 तो आर, टी में से -1 तो एस, बी में से -1 तो एन, एल में से -1 तो के, और बी में से -1 तो आपका एस हो जाएगा। सॉरी ये गलत हो गया, आई थिंक ये -1 भाई ए आएगा, यहाँ पे मिसप्रिंट है ये। ठीक है ना, ये कई बार मिसप्रिंट हो जाती है चीज़ें, वो पूरे क्वेश्चन को मतलब गलत करवा देती हैं। तो यहाँ से इसमें से -1 करेंगे तो ए आएगा, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हनी को भी बिल्कुल वैसे लिखना है। अब हनी में से आप में सबसे पहले वाई में से -1 करेंगे तो क्या आएगा आपका, देखिए वाई में से -1 करेंगे तो एक्स आएगा, और एक्स यहाँ पे सिर्फ 2 ऑप्शन में दिख रहा है तो इन दोनों को तो हटा दीजिए। ई में से -1 करेंगे तो आपका डी आ जाएगा, तो डी दोनों में है। फिर एन में से हमने -1 किया तो आपका एम आ जाएगा, तो एम भी दोनों में है। फिर ओ में से -1 किया तो एन आ जाएगा, तो एन यहाँ पे आपका ए सी सी ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे एच में से -1 करेंगे तो जी आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहेगा। भाई समझ गए आप इस क्वेश्चन को, बिल्कुल भी समझ में ना आए कोई भी क्वेश्चन तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 था ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन आकृति वाला भी यहाँ पे देख लेते हैं। उत्तर आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जो प्रश्न आकृति को प्रारूप को पूरा करे, प्रश्न आकृति के प्रारूप को पूरा करे। तो यहाँ पे आपको बस एक सिंपल सी चीज़ देखनी है। एक तो ये देख लीजिए कि इसमें इस तरीके की कोई आकृति बन रही होगी। ठीक है, इस तरीके, यार मेरी ड्राइंग ना इस तरीके की, ठीक है ये वाली। तो बस आपको इतना दिमाग में रखना है कि ऐसी कौन सी आकृति होगी कि आपका राइट आंसर बन जाए। आकृति ये सब कुछ वैसी है, बट डायरेक्शन देख लीजिए, डायरेक्शन ये होनी चाहिए। तो ये भी नहीं होगी, ये हो गई, ये नहीं होगी, ये नहीं होगी, तो सीधा सीधा आपको दिख रहा है ये वाली आकृति आपके राइट आंसर में आ रही है। तो बस इसको लगा दीजिए, बी ऑप्शन हो जाएगा, ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है इसमें। तो आशा करता हूँ कि आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो में यही 10 क्वेश्चन थे। अगर आपको ये 10 क्वेश्चन समझ में आए, पसंद आए, समझ में तो आना जरूरी है, पसंद तो कोई यहाँ पे ऐसी चीज़ नहीं चल रही है। ठीक है, तो समझ में आए तो प्लीज़ लाइक शेयर तो कर ही दिया होगा आपने, क्योंकि वीडियो एंड तक देखने वाले बच्चे सारे सीरियस होते हैं। और कमेंट बॉक्स में आंसर भी देने की कोशिश किया करें, कमेंट बॉक्स में ये भी बता दिया करें कि आपका कमी क्या थी, क्या आपकी समझ में नहीं आया। ठीक है, और इसकी PDF आप डाउनलोड कहाँ से कर सकते हैं, टॉपिक स्टडी के टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और या फिर आप डायरेक्ट सर्च करिएगा टेलीग्राम पे टॉपिक स्टडी, तो आपको ये सारी PDF वहाँ पे मिल जाएगी। आशा करता हूँ कि आपको ये सारी क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आपने लाइक शेयर कर दिए होंगे। तो वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। और हाँ, जो मैंने अभी आपको ऊपर सबसे पहले टेस्ट बताए थे, सारे के सारे ऑनलाइन टेस्ट, उनके सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हेल्पलाइन नंबर भी उसी वेबसाइट पर है, अगर कोई भी इशू आता है तो आप वहाँ से कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।